हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। बेसिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, ओके। सो यू जस्ट सी वन बाय वन। सो ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस। कुछ सिंबल होता है, जैसे प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डबल डिवीजन, ओके। पावर होता है, एंड होता है, इस तरह से कुछ होता है, नॉट होता है, इस तरह से नॉट होता है। तो ये इसका सिंबल्स होता है जो कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो किसका ऑपरेटर्स का पार्ट क्या क्या है? अरिथमेटिक हो सकता है, रिलेशनल और कंप्रेशन हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, बिटवाइज हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, और स्पेशल हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला हो गया अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक मतलब क्या होगा? इसमें क्या क्या आ जाएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन। सो हम लोग इसको हम लोग डबल डिवीजन बोलेंगे, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट और पावर। सो डबल डिवीजन बिकॉज टू बैक स्लैश आर देयर। तो हम लोग सोचो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में एक्स का वैल्यू 6 है, वाई का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो जब इसको मैं प्रिंट करूंगा, इसको रन करता हूँ, तो हम लोग आउटपुट मिलेगा। इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट? एक्स एक्स का वैल्यू क्या है? 6 है, वाई का वैल्यू 3 है। सो एक्स का वैल्यू वाई 6 है, वाई का वैल्यू 3 है। सो 6 प्लस 3 एडिशन 9, 6 माइनस 3 माइनस सब्ट्रैक्शन 3, 6 इंटू 3 इट इज 18, 6 बाय 3 इट इज 2.0। एंड हियर ये क्या है? ये फ्लोर डिवीजन है। हम लोग अभी देखे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। तो फ्लोर डिवीजन मतलब क्या होता है? फ्लोर डिवीजन मतलब होता है कि 6 अगर मैं करता हूँ, 3 6 करेंगे, 3 2 जी 3 2 जा 6, इट्स इट टू रिटर्न क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर मुझे चाहिए, सो ये हो गया फ्लोर डिवीजन से मिलेगा, और मुझे रिमाइंडर जो होता है ये मॉडुलो से मिलेगा। तो एक्स डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 2, एक्स फ्लोर डिवीजन 2, ये क्या हो गया? क्वेश्चन रिटर्न करे 2, ठीक है। और एक्स मॉडुलो 2, ये रिमाइंडर रिटर्न कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। अच्छा, एक्स टू दी पावर वाई, एक्स टू दी पावर वाई, एक्स का वैल्यू क्या है? 6। टू दी पावर 3 क्या हो गया? 216। समझ में आ रहा है? अगर मैं चेंज करता हूं इसको, मैं इसको चेंज करके मैं ऊपर को डिसेबल करता हूँ, नीचे को इनेबल करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो एक्स का वैल्यू क्या है? 7, वाई का वैल्यू 3। एक्स प्लस 3, 7 प्लस 3 10, 7 माइनस 3 4, 7 इंटू 3 21, 7 डिवाइडेड बाय y, सो 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6 10, 3 3 जा 9 10, 3 3 जा 9 10, सो 3 3 3 3 कब तक चलेगा? टोटल 16 डिजिट लेता है ये। तो इसमें कितना सारा डिजिट है? 16 डिजिट है, ठीक है। सो x ये फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन क्या आएगा? रिमाइंडर के साथ करना है, 3 2 जा 6 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। इसलिए इसका आंसर क्या है? 2 है, और रिमाइंडर कितना है? 1 है, तो इसलिए वो रिमाइंडर कितना? 1 हो गया। तो 2 कहां से कब आएगा? जब हम लिखेंगे ए वो एक्स फ्लोर डिवीजन वाई। रिमाइंडर कब आएगा? जब एक्स मॉड्यूलो 2 लिखेंगे, एक्स मॉड्यूलो वाई लिखेंगे, तो रिमाइंडर आ जाएगा। सो एक्स फ्लोर डिवीजन वाई, इट विल ये क्वेश्चन रिटर्न करेगा, एक्स मॉड्यूलो वाई ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया 7 टू द पावर 3, 343, ठीक है। अच्छा, नॉट नेसेसरी इंटीजर नंबर, हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी यूज कर सकते हैं। सोचो एक्स का वैल्यू है 4.5 और वाई का वैल्यू है 7.8। इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। सो 4.5 एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, मॉड्यूलो हो गया, टू दी पावर हो गया। तो इसका आंसर एक्स टू दी पावर मतलब क्या है? 4.5 टू दी पावर 7.8। इसका आंसर क्या है? ये, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? सर कुछ आंसर आएगा क्या? ये दोनों स्ट्रिंग ले रही है, तो इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा क्या?
आप कमेंट सेक्शन में बताओ, एग्जाम्पल वन आपको बताओ आपका आउटपुट क्या है, इसमें कुछ आउटपुट आया कि एरर आया, एरर आया तो क्या है, आउटपुट आया तो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है कि ये ट्रू ऑन रिटर्न देता है। सोचो एक्स का वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पर इसको इनेबल करता हूँ, एक्स का वैल्यू है 10 और वाई का वैल्यू है 20, और मैं यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है आंसर। तो सोचो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है मेरा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट हो गया ये। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, 10, वाई का वैल्यू 20, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये तो फॉल्स, गलत है, फॉल्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, नहीं गलत है, एक्स लेस देन 10, 10 इज लेस देन 20, हाँ ट्रू है, 10 इज लेस देन इक्वल टू 20, हाँ ट्रू है, दोनों क्या सेम है, नहीं ये तो सेम नहीं है, दोनों के अलग है, हाँ अलग है, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग यूज करेंगे ये, लेस देन के लिए यूज करेंगे ये, ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, दोनों के चेक सेम है कि नहीं के लिए इसको ऐसे यूज करेंगे, दोनों सेम नहीं है के लिए इसको हम ऐसा चेक करेंगे। तो अगर दोनों सेम होगा तो ट्रू होगा, अगर दोनों सेम नहीं होगा तो फॉल्स होगा, दोनों अगर सेम नहीं होगा तो ट्रू होगा, दोनों अगर सेम हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स लोग यूज करते हैं। अच्छा, हम लोग एक से ज्यादा भी रिलेशन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 20 एंड जी का वैल्यू -3। तो ये जो है ये आउटपुट कब होगा, इफ एटलीस्ट वन कंपैरिजन रिटर्न फॉल्स देन द फॉल्स विल रिटर्न, अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स रिटर्न होगा। एक्स ग्रेटर देन वाई, 10 क्या वाई से 20 से 10 से 10 क्या 20 से बड़ा है, फॉल्स, वाई क्या जेड से छोटा है, नहीं फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो डेफिनेटली फॉल्स आएगा। नेक्स्ट में क्या है, एक्स एक्स क्या वाई से छोटा है, हाँ ट्रू, वाई क्या जेड से बड़ा है, हाँ ट्रू, दोनों ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू, एक्स और वाई दोनों के अलग है, ट्रू, वाई और जी के दोनों अलग है, ट्रू, दोनों ट्रू हो गया, इससे ट्रू, एक्स और वाई दोनों के अलग है, ट्रू, वाई और जेड क्या सेम है, फॉल्स, बट इसमें क्या लिखा है, इफ एटलीस्ट वन कंपैरिजन रिटर्न फॉल्स, एक अगर फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स रिटर्न होगा, इसलिए क्या दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो इसलिए फॉल्स रिटर्न। ठीक है, ओके, अभी हम लोग बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या है, एंड और नॉट यूज करेंगे। ठीक है, इसका आउटपुट जो है फॉल्स और ट्रू में आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है, ट्रू मतलब सम नॉन जीरो वैल्यू एंड फॉल्स मतलब जीरो। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ एक्स का वैल्यू अगर -10 और वाई का वैल्यू 20 लेता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, तो इसको अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या हो गया, ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स लेस देन 10, एक्स का वैल्यू क्या है -10 है, एक्स लेस देन 3 इट इज ट्रू, एंड वाई ग्रेटर देन 0, वाई का वैल्यू क्या है 20, दोनों ट्रू है। तो यहाँ पे एंड यूज कर रहे, तो यहाँ पे एंड कैसे काम कर रहे, देखो एंड में आउटपुट फॉल्स आएगा अगर कोई भी एक इनपुट फॉल्स हो जाता है, सो इफ फॉल्स फॉल्स आउटपुट फॉल्स, ट्रू फॉल्स आउटपुट फॉल्स, फॉल्स ट्रू आउटपुट फॉल्स, ट्रू ट्रू आउटपुट ट्रू। तो एंड गेट में आउटपुट ट्रू कब होगा, जो जब दोनों के दोनों ट्रू होगा, और गेट में आउटपुट ट्रू कब होगा, जब इसमें से कोई एक इनपुट अगर ट्रू हो जाता है, फॉल्स कब होगा, जब दोनों के दोनों फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स होगा। अच्छा, नॉट में क्या होता है, नॉट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, नॉट ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स लेस देन 10 ट्रू, एंड वाई ग्रेटर देन, दोनों ट्रू हो गया तो ट्रू ट्रू एंड क्या हो गया, ट्रू, इसलिए आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, एक्स लेस देन 10 इट इज ट्रू, और वाई ग्रेटर देन ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है तो आउटपुट ट्रू है। नॉट एक्स लेस देन 20, एक्स एक्स क्या लेस देन 20 है, ये तो क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू -10 है, ये क्या लेस देन 20 है, इट इज ट्रू, नॉट ट्रू मतलब क्या, फॉल्स। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं, यहाँ पे दो दो लॉजिकल ऑपरेटर की यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, एक्स लेस देन 10 ये तो ट्रू हो गया, और वाई ग्रेटर देन 0 ये तो ट्रू हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई ये तो फॉल्स हो गया, ट्रू एंड इफ, ट्रू एंड इफ के आउटपुट फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स का और क्या होगा, ट्रू होगा, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अच्छा,
अगर मैं चेंज करता हूँ इसका, एक्स का वैल्यू 10 करता हूँ, वाई का वैल्यू 15 करता हूँ, ठीक है, और मैं सेम इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो हम लोग देख पाएंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, इसको मैं रन कर दिया हूँ, तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे देखो। आउटपुट में है कि एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है, वाई का वैल्यू 15 है, तो एक्स लेस देन 10 ये तो फॉल्स हो गया, वाई ग्रेटर देन 0 ये तो ट्रू हो गया। फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या है, फॉल्स है, इसलिए आउटपुट क्या है, फॉल्स है। एक्स लेस देन 10 हाँ ट्रू है, और वाई ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 10 ये फॉल्स है, वाई ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, ट्रू है, इसलिए आउटपुट ट्रू है। नॉट एक्स लेस देन 20, एक्स क्या लेस देन 20 है, हाँ ट्रू है, ट्रू। नॉट ट्रू मतलब क्या, फॉल्स। उसी हिसाब से एक्स लेस देन 10 ये तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि एक्स तो इक्वल टू 10 है। वाई ग्रेटर देन 0 ये तो ट्रू है, एक्स या वाई दोनों सेम है ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का आउटपुट क्या है, फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स आउटपुट क्या है, फॉल्स आना चाहिए, तो इसलिए आउटपुट फॉल्स आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का हम लोग यूज करने के लिए पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, और हर रिलेशनल ऑपरेटर के बीच में दोनों कंपेयर हम लोग कंपेयर करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग दोनों को कनेक्ट करते हैं। ओके, इन बिटवाइज ऑपरेटर इट विल जनरली यूज फॉर इंटीजर एंड बुलियन टाइप। सो द एक्चुअली इट इज अ बुलियन ऑपरेशन, वी हैव टू वी कैन इंप्लीमेंट बुलियन ऑपरेशन यूजिंग दिस बिटवाइज ऑपरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट अबाउट द एंड ऑपरेशन। एंड मीन्स व्हाट, इफ यू कैन से 0 1 1 0 1 1, आउटपुट विल बी 0 इफ एनी वन इनपुट इज 0 फॉर ऑपरेशन, फॉर और आउटपुट विल बी 1 इफ एनी वन इनपुट इज 1, एंड व्हाट अबाउट द नॉट, इफ इट इज 0 इट विल बी आउटपुट 1, इफ इट इज 1 इट विल बी 0। सो दिस इज व्हाट अबाउट आउटपुट। सो एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 2, सो व्हाट अबाउट दिस एंड ऑपरेशन। सो दिस इज फॉर अवर, दिस इज फॉर अवर, वी यूज दिस वन फॉर एंड ऑपरेशन, दिस वन फॉर और ऑपरेशन, ओके, देन दिस वन फॉर नॉट ऑपरेशन। अच्छा, व्हाट अबाउट द एक्सओआर, एक्सओआर, सो 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0, इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट विल बी 0, इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट विल बी 1। सो दिस इज व्हाट अवर एक्सओआर ऑपरेशन। सो फॉर एंड ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू 10, व्हाट व्हाट अबाउट 10, 10 मींस व्हाट, से 0 0 1, सो 10 मींस व्हाट, 10 मींस 1 0 1 0, एंड 2 मींस व्हाट, 0 0 1 0। सो दिस इज व्हाट अवर 10, दिस इज व्हाट अवर 2। सो व्हाट अबाउट द एंड ऑफ आउटपुट, एंड मीन्स व्हाट, एंड मीन्स यू कैन चेक दिस वन, सो 0 0 0 1 1 1 0 0, आउटपुट विल बी व्हाट, 2। सो एक्स एंड वाई आउटपुट इज व्हाट, इट्स ए 2। ओके, नाउ यू कैन चेक द अदर आउटपुट ऑल्सो। सो हियर यू कैन चेक दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू क्लीन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। ओके, सो और, सो इफ यू कैन अप्लाई द और ऑपरेशन ऑल्सो, ऑपरेशन, सो और मीन्स वॉट, 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 इज वॉट, इट्स नथिंग बट आवर 10, सो दैट्स वाई और ऑपरेशन इज वॉट 10। सो यू कैन से इन बिटवाइज ऑपरेटर एंड ऑपरेशन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू और ऑपरेटर रिटर्न मैक्सिमम, बट इट इज नॉट ट्रू इन द लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेशन रिटर्न द मैक्सिमम वन एंड और ऑपरेटर रिटर्न द मिनिमम वन, बट फॉर बिटवाइज ऑपरेटर एंड ऑपरेटर रिटर्न मैक्सिमम मिनिमम वन एंड और रिटर्न मिनिमम वन। अच्छा, व्हाट अबाउट द एक्सओआर, दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्सओआर, सो 1 0 1 0 0 0 1 0, सो एक्सओआर ऑपरेशन विल बी व्हाट, दिस 0 0 0 1, दिस इज नथिंग बट आवर 8, सो दैट्स व्हाई द आउटपुट इज व्हाट, इट इज 8। सो यू कैन चेक 0 0 0 1 1 0, 0 0 0 1 0, इट इज 1, 1 0 0 इज व्हाट, इट्स ए बाइनरी वैल्यू, इसका एसोसिएटेड वैल्यू क्या होगा, इसका
आठ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया राइट शिफ्ट, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट। तो एक्स इस तरह से लिखेंगे, मतलब क्या, एक्स वैल्यू को वाई टाइम्स राइट शिफ्ट करना होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब क्या, एक्स को वाई टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। तो अगर मैं लिखता हूँ टेन ऐसा, इसका मतलब क्या है, टेन को टू टाइम्स राइट शिफ्ट करना होगा। तो टेन मतलब हो गया, एज्यूम ये हो गया टेन। ठीक है, दो बार मुझे शिफ्ट करना होगा राइट साइड। तो एक पहले फर्स्ट टाइम शिफ्ट होगा तो क्या होगा, वन इधर आ जाएगा, जीरो इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा। सो टेन मतलब क्या हुआ, 1 2 4 8, 1 0 1 0। तो ये फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुआ तो ये आंसर आएगा, बट ये दो बार शिफ्ट हो रहा है। और एक बार सेकेंड टाइम जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये जो वन है डिस्कार्ड हो जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये वन यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जो जीरो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे एक इंसर्ट जीरो होगा, यहाँ पे एक इंसर्ट जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 0 0 1 0, मतलब क्या 2। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 10 10, मतलब हो गया सपोज ऐसा 1 0 10। अगर मैं राइट शिफ्ट करना है तो फर्स्ट टाइम शिफ्ट कैसे होगा, ये वन इधर आ जाएगा, ये जो जीरो है डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ आ जा रहा है, ये वन यहाँ आ जा रहा है, ये जीरो, यहाँ पे एक जीरो इंसर्ट हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम। और एक बार जब शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा, ये वन इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा। ठीक है, एक ये जो जीरो जीरो डिस्कार्ड हो गया, ये वन यहाँ आ गया, जीरो जीरो आ गया, और ये यहाँ पे एक जीरो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका वैल्यू क्या, 1 2 4 8 16 32। सो 32 + 8 ये क्या हो गया, 40 हो गया। तो इसलिए 40 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, नॉट को अगर देखेंगे, नॉट एक्स, एक्स मतलब क्या हो गया, 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हो गया 10। नॉट मतलब क्या हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब क्या हो, ये कुछ नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का कैसे पता चलता है कि इसका एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका होगा ऐसे, ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना है, 1 2 4 8, 8 + 2 10 10 + 1 11। सो इसलिए ये 11 आ रहा है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट से उसका वैल्यू निकलता है, बट इससे ये पता चलता है ये नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर हो गया, तो 10 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नंबर होगा, तो ये इसलिए माइनस आ गया। अब उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ रहा है, फॉर्म में रहता है, तो जब टूस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसलिए -11 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इसलिए इक्वल टू ऑपरेशन यूज करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 7.77, तो आउटपुट क्या है, इसका टाइप करेंगे तो टाइप क्या हो गया, फ्लोट टाइप हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 777 देता हूँ और मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर क्या आएगा, ये 77 आएगा, ये इंटीजर टाइप होगा, इसका डेटा टाइप क्या भी है, डेटा टाइप भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो अगर एक्स का वैल्यू 5 है तो इंक्रीमेंट का मतलब है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका आउटपुट क्या है, 6। इंक्रीमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आउटपुट क्या होगा, 6 था, अब यहाँ पे 6 था, अब 7 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिक्रीमेंट है, 7 था क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 6 था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट करें तो क्या आउटपुट आ जाएगा, 5, इसलिए 5 आ रहा। ठीक है, तो मेरे लिए पर्सनली ये काफी कन्वीनियंट होता है लिखना। जैसे एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस इज इक्वल टू 5, समझ में आ रहा है। अगर मुझे माइनस करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जैसे एक्स का वैल्यू 5 है, एक्स इंटू 2 मतलब हो गया 10, तो मल्टीप्लीकेशन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम हो गया, 10 इंटू 2 20, एक्स बाय 2, इसलिए ये हो गया क्या, डिवीजन, तो
इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। एक्स का वैल्यू क्या था, 20 था, 20 बाई टू क्या 10। इसका मतलब क्या, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू एक्स डबल एस्ट्रिक टू। हम लोग उसको क्या लिखेंगे, एक्स डबल एस्ट्रिक इज इक्वल टू टू, ठीक है। सो 10 स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। और एक्स इज इक्वल टू एक्स फ्लूड डिवीजन टू को हम लोग कैसे लिख सकेंगे, ठीक है। सो 100 का फ्लूड डिवीजन टू क्या 50 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 10 कॉमा 12। मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया 10, वाई का वैल्यू क्या हो गया 12। एक दो तीन नहीं, हम लोग जितना मर्जी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू 7 कॉमा 9 कॉमा 8 कॉमा -2। मतलब ए का वैल्यू हो गया 7, बी का 9, सी का 8 एंड डी का -2। तो प्रिंट करेंगे तो आउटपुट ही आ जाएगा। तो ये भी हम लोग के लिए काफी कन्वीनियंट है। तो मैं पर्सनली इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ, ये वाला को यूज करता हूँ, ये काफी कन्वीनियंट होता है। नाउ टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू वन रिटर्न करेगा और वेरिएबल नेम में वैल्यू वन स्टोर होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा वेरिएबल नेम में वैल्यू टू स्टोर होगा। तो सोचो कि कोई एक कंडीशन है, ठीक है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वेरिएबल नेम में क्या स्टोर होगा, वैल्यू वन स्टोर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो वेरिएबल नेम में क्या होगा, वैल्यू टू स्टोर होगा, ठीक है। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 10 कॉमा 5, एक्स का वैल्यू क्या है 10 और वाई का वैल्यू क्या है 5। तो कंडीशन क्या है ये, एक्स ग्रेटर देन वाई, 10 क्या 5 से बड़ा है, हाँ एक्स रिटर्न करेगा, एक्स में क्या है 10 है, इसलिए आउटपुट क्या 10 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, अगर मैं इसको चेंज करके लेस देन कर दूंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो 5 आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, ग्रेटर एक्स लेस देन वाई, कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए वाई रिटर्न हुआ। वाई में क्या था 5 था, इसलिए आउटपुट 5 आ गया। इसको हटाओ फिलहाल, समझ में आ रहा है। तो मैं सिर्फ ऐसा क्यों, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, अगर मैं करता हूं एक्स ग्रेटर देन वाई, कंडीशन क्या है ट्रू है, इसीलिए ट्रू रिटर्न हुआ। तो जब मैं इस केस में क्या है ट्रू रिटर्न होना चाहिए, आउटपुट देखो ट्रू रिटर्न हो गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो क्या ये लेफ्ट वाला पार्ट आउटपुट रिटर्न हो गया। सो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो लेफ्ट पार्ट से जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो राइट पार्ट से जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं ये वाला इनेबल करके इनेबल कर देता हूँ, इस केस में क्या है फॉल्स आना चाहिए आउटपुट। कैसे, क्यों फॉल्स आएगा, क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई ये कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए फॉल्स रिटर्न आया, ठीक है। तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो राइट पार्ट वाला रिटर्न होगा, ठीक है, और फॉल्स होगा तो लेफ्ट पार्ट वाला, सॉरी अगर ट्रू होगा तो लेफ्ट पार्ट वाला रिटर्न होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगर ट्रू होगा तो लेफ्ट पार्ट वाला रिटर्न होगा, अगर फॉल्स होगा तो राइट वाला पार्ट वाला रिटर्न होगा, ठीक है। इस केस में भी देखो सेम सेम आएगा, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूं तो आप उसी आएगा, बिगर नंबर अगर चाहते हैं तो ऐसा है। अच्छा, हम लोग एक से ज्यादा भी टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड। तो ये है देखो कंडीशन, इफ इजिकल टू वन, ये कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन अगर सही होगा तो ये ट्रू वन रिटर्न होगा, नहीं तो ये फॉल्स वन रिटर्न होगा। अगर फॉल्स वन में से ये देखो, और एक कंडीशन है यहाँ पे कंडीशन ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा रिटर्न होगा, है ना, नहीं तो ये वाला फॉल रिटर्न होगा। सो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो T1 रिटर्न होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो F1 रिटर्न होगा। F1 में से और एक कंडीशन है, अगर C2 ट्रू होगा तो T2 रिटर्न होगा, नहीं तो F2 रिटर्न होगा।
ठीक है, एंटर नंबर -10, -10 अगर होगा पहले कंडीशन ये चेक होगा, -10 क्या है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एक्स तो जीरो तो नहीं होगा, -10 है, इसमें से क्या एक्स ग्रेटर देन जीरो नहीं, एक ग्रेटर देन तो जीरो नहीं है, तो फॉल्स वाला पार्ट हो जाएगा, नंबर लेस देन जीरो आ गया, समझ में आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ जीरो एंटर करता हूँ, उसका आउटपुट क्या आएगा, मैं ट्राई करता हूँ उसको मैच करने के लिए फिगर को, तो एक्सप्लेनेशन में सही रहेगा मेरे लिए। तो जीरो है क्या, ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, नंबर इज जीरो, ये प्रिंट हो गया देखो, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं करता हूँ 10, तो क्या होगा, एक्स क्या जीरो है, कंडीशन फॉल्स हो गया, इफ ऑन में आ गया, फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन तो ट्रू हो गया क्योंकि 10 है, तो ट्रू पार्ट में आ गया, आउटपुट क्या नंबर ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो गया नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ 3 नंबर, तो पहले ये कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू होगा तो एक्स आउटपुट आएगा, नहीं तो ये वाला चेक होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन है देखो, ठीक है, तो सॉरी कंडीशन है ये कंडीशन C1 है, अगर ये हो गया ट्रू 1, फॉल्स होगा तो ये वाला, इसमें से भी और कंडीशन ये है C2, ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा, फॉल्स 2। तो अगर मैं x 1 2 3 करता हूँ, x इज लेस देन y, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू तो क्या हो गया, x रिटर्न हो जाएगा, सॉरी 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 दोनों कंडीशन चेक होगा, x इज लेस देन y ट्रू एंड x इज लेस देन j ट्रू, दोनों ट्रू है, तो ये टोटल एक्चुअली क्या ट्रू हो जाएगा, तो x रिटर्न होगा, तो ये मिनिमम मिनिमम होल्ड करेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम के लिए क्या है, दोनों कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉल्स, एक्स इज ग्रेटर देन जेड फॉल्स, इधर आ जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन जेड, वाई क्या है 2 और 3, कंडीशन तो फॉल्स हो गया, फॉल्स मतलब क्या, ये प्रिंट होगा, जी प्रिंट होगा, जी में क्या है, जी किस में जाएगा, मैक्स नंबर में जाएगा, तो जी में क्या है 3 है, तो आसल आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या है टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, टर्नरी नेस्टेड टर्नरी कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर में दो करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी मतलब किसी का मुझे एड्रेस अगर मुझे देखना है, तो पहले हम लोग एड्रेस देख लेंगे, से आईडी वेरिएबल नेम, और उस वेरिएबल एड्रेस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ईच से, हम लोग कैसे यूज करते हैं ईज, तो अगर दोनों का वेरिएबल सेम हो गया, एक्स इज वाई, सपोज दोनों के दोनों एड्रेस है, दोनों एड्रेस अगर सेम होगा तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। और मेंबरशिप में क्या है कि चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस एलिमेंट में, उस कलेक्शन में है कि नहीं, कलेक्शन में क्या क्या आता है, लिस्ट से टपल डिक्शनरी स्ट्रिंग, इस तरह ये सब आता है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो पहला पहले इसको करते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं पहले, फिर दूसरा वाला करते हैं, है ना। तो मैं इसको डिजेबल करता हूँ, इसको मैं एनेबल करता हूँ, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इजिकल टू 10 और वाई का वैल्यू क्या है 50, सो एड्रेस ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, से पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे पता नहीं इसको एग्जीक्यूट किए कि हमने नहीं किए, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो एड्रेस ऑफ एक्स क्या है, इसका है 176 और एड्रेस ऑफ वाई क्या है, इट इज 336, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जो 10 को स्टोर कर रहा है, 10 का एड्रेस क्या है 176, y एक और वेरिएबल है जो 15 स्टोर कर रहा है, ये किस एड्रेस में स्टोर हो रहा है, 336, देखो 336 में स्टोर हो रहा है। अब दोनों क्या, x इज y, दोनों क्या सेम है, नहीं दोनों तो अलग है, इसलिए फॉल्स रिटर्न आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा अगर मैं दोनों को मैं सेम कर देता हूँ यहाँ पे, इसको डिजेबल करके इसको इनेबल करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, दोनों का एड्रेस देखो सेम हो गया, इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों ट्रेन तो स्टोर कर रहे हैं,
तो बट वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स अलग है लेकिन मेमोरी स्पेस एक ही है, जिसका एड्रेस क्या है 176। दोनों का एड्रेस क्या सेम है, एक्स और इज वाई, दोनों का एड्रेस क्या सेम है? हाँ है, ट्रू। एक्स और वाई दोनों का एड्रेस का सेम है, हाँ सेम है, इसलिए ट्रू रिटर्न है। तो एक्स इजिकल टू ये वैल्यूज को चेक करता है, और एक्स इज वाई दोनों का एड्रेस को कंपेयर करता है, ठीक है। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर, सपोज एक कलेक्शन है, ये एक लिस्ट है, इसको क्या बोलेंगे? लिस्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? टपल बोलेंगे। तो सबका अलग अलग वीडियोस बना हुआ है, देख लो, सब सीख लो सबके सब फटाफट। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एलिमेंट है 13, ठीक है। अब चेक करेंगे 13 के उसके अंदर है, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस को कम करना देता हूँ, मुझे एक साथ मुझे आउटपुट भी चाहिए, इनपुट आउटपुट दोनों एक साथ मुझे दिखना है, दिखाना है। तो एक्स में क्या है, ये 3578, 13 क्या इसके अंदर है? नहीं है, फॉल्स। इसलिए 13 नॉट इन, इसमें क्या नहीं है? हाँ सही, नहीं है, इसलिए ट्रू आया। इफ एलिमेंट, ये क्या फॉल्स आ गया, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द कलेक्शन। इफ एलिमेंट नॉट इन, ये अब इस केस में ट्रू हो गया ना, नहीं तो नहीं है, इसलिए आउटपुट आया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ले लेता हूँ 3, 13 की जगह 3 ले लेता हूँ, 3 तो है, उस केस में आउटपुट में क्या क्या चेंजेस हुआ देखते हैं। तो इसमें आउटपुट में क्या क्या चेंजेस हुआ, 3, 3 इन कलेक्शन, 3 तो है हाँ, इसलिए ट्रू है। 3 नॉट इन, ये तो फॉल्स है, उसके अंदर तो है, तो इफ एलिमेंट इन, ये तो ट्रू हो गया। ट्रू मतलब क्या, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन। इफ एलिमेंट नॉट इन, ये तो फॉल्स हो गया, इसलिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें क्या लिखा है, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन, समझ में आ रहा है? तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सिर्फ लिस्ट क्यों, हम लोग सेट भी यूज कर सकते हैं, हम लोग टपल भी यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो आप एक एक करके चेक करो, अगर कुछ आपको गलत लगता है, आपको सही लगता है तो कमेंट्स में बताओ, ठीक है। बेसिक ऑपरेटर